और वो हमारे लिए और भी अच्छी संभावनाएं देने में समर्थ है। जितना समय हमने गवाया है, जितने मौके हमने गवाया है, जितनी शक्ति हमने गवाई है, जितना धन हमने गवाया है, उन सबसे ज्यादा, उनसे भी ज्यादा हमें प्रबंध करने में सक्षम ईश्वर कहता है, पुरानी बातें जाने दो। हमें पुरानी बातों को जाने देना होगा। और एक विश्वासी की पहचान यह है कि वो पुरानी बातों को जाने देता है और उसकी दृष्टि आगे की ओर लगी हुई रहती है, उसकी दृष्टि आगे की ओर लगी हुई रहती है और ईश्वर के किए जाने वाले उन कार्यों को देखने में सक्षम होता है। कुरिन्थियों के दूसरे पत्र के अध्याय 5 उसके वाक्य 7 में संत पौलुस कहते हैं, हम आंखों देखी बातों पर नहीं बल्कि विश्वास पर चलते हैं। हम आंखों देखी बातों पर नहीं बल्कि विश्वास पर चलते हैं। एक विश्वासी आंखों देखी बातों पर नहीं, बीती बातों पर नहीं, बल्कि विश्वास पर आगे की ओर बढ़ता है। हम लूकस के सुसमाचार की अध्याय 9 उसके वाक्य 61 और 62 में पढ़ते हैं, एक व्यक्ति प्रभु येसु के पास आया और उसने प्रभु से कहा, प्रभु मैं आपका अनुसरण करना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे अपने घर जाने दीजिए और अपने घर वालों से विदा लेने दीजिए। प्रभु येसु ने कहा, हल्की मूठ पकड़ने के बाद जो पीछे मुड़कर देखता है वह ईश्वर के राज्य के योग्य नहीं है। मैं देखता हूं कि आज बहुत सारे विश्वासी पीछे मुड़कर देख रहे हैं, प्रभु के पीछे चलने लगे हैं। बहुत सारे चुने हुए लोग येसु के पीछे चलने लगे हैं, लेकिन हल्की मूठ पकड़ने के बाद पीछे मुड़कर देख रहे हैं कि मैंने क्या गंवाया है, मैंने क्या छोड़ा है। अब मत्ती के सुसमाचार की अध्याय 4 में पढ़ते हैं कि प्रभु येसु मसीह ने 4 मच्छुओं को बुलाया, सीमोन, अंद्रेस, याकूब और योहन को। वचन में हम पढ़ते हैं कि सीमोन और अंद्रेस जाल बिछाए हुए थे समुद्र में। प्रभु ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ, मेरा अनुसरण करो। वचन हमें बताता है कि सीमोन और अंद्रेस ने जाल को समुद्र में छोड़ा और उन्होंने प्रभु का अनुसरण किया। एक बहुत सुंदर प्रतीक और उदाहरण हम सबके लिए है। ठीक इसी प्रकार हम पढ़ते हैं कि याकूब और योहन अपने नौकरों और पिता के साथ जाल मरम्मत कर रहे थे। प्रभु ने उनसे भी कहा, मेरा अनुसरण करो, और उन्होंने अपने पिता को नौकरों के साथ छोड़कर यीशु का अनुसरण किया। बहुत सुंदर उदाहरण। प्रभु कहते हैं, हल्की मूठ पकड़ने के बाद जो पीछे मुड़कर देखता है वे ईश्वर के राज्य का अधिकारी नहीं हो सकता है, ईश्वर के राज्य के योग्य नहीं है। संत पौलुस हमारे लिए बहुत सुंदर उदाहरण है। फिलिपियों के पत्र के अध्याय 3 उसके वाक्य 13 में संत पौलुस कहते हैं, मैं इतना ही कहता हूं कि पीछे की बातें भुलाकर और आगे की बातों पर दृष्टि लगाकर मैं बड़ी उत्सुकता से अपने लक्ष्य की ओर दौड़ रहा हूं। तो संत पौलुस कहते हैं कि मैं पीछे की बातें भुलाकर और आगे की बातों की ओर दृष्टि लगाकर अपने लक्ष्य की ओर दौड़ता हूं। संत पौलुस का अतीत कैसा था? वचन हमें बताता है कि संत पौलुस प्रभु येसु मसीह के शिष्यों को मरवा डालता था। वचन हमें बताता है कि वो येसु के शिष्यों को उनके घरों से घसीट घसीट कर ले जाता था और बंदी गृह में डलवाता था, उनको मरवा डालता। प्रभु येसु मसीह के एक दर्जनों शिष्यों के हत्या के लिए वो जिम्मेदार था, यानी पौलुस हत्यारा था। लेकिन पौलुस का अपराध उसे परेशान नहीं करता था। वो कहता है कि मैं पीछे की बातों को भुला दिया हूं क्योंकि प्रभु ने मुझे माफ कर दिया और आगे की ओर दृष्टि लगा रहा हूं। मैं आगे की ओर दृष्टि लगा रहा हूं। एक सच्चे विश्वासी की पहचान है, ये प्रमाण है कि वो पीछे की ओर नहीं देखता है बल्कि आगे की ओर दृष्टि लगाता है। मैं फिर आपको इस्यास नबी अध्याय 43 वाक्य 19 में ले जाना चाहता हूं। प्रभु हमसे कहता है, मैं एक नया कार्य करने जा रहा हूं, क्या तुम उसे नहीं देखते? मैं एक नया कार्य करने जा रहा हूं, क्या तुम उसे नहीं देखते? तुम क्यों पीछे की ओर देखते हो, आगे की ओर देखो।
मैं तुम्हारे लिए एक महान कार्य करने जा रहा हूं। मेरे प्रिय बंधुओं, अगर मेरे जीवन में कुछ हद तक सफलता है, मुझे स्वतंत्रता महसूस होती है, मुझे प्रभु की कृपा प्राप्त है, तो उसका मुख्य कारण यह है कि प्रभु ने मुझे कृपा दी है कि पिछली बातों को मैं भूल सकता हूँ, पुरानी बातों को मैं जाने दे सकता हूँ और आगे की ओर मैं दृष्टि लगाया हूँ। यह नहीं सोचता हूँ कि मैंने क्या गंवाया है, लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि प्रभु ने मेरे लिए क्या प्रबंध किया है, आगे वो मुझे क्या देने वाला है। इब्रानियों के पत्र के अध्याय 12 उसके वाक्य 1 में हमें संत पौलुस एक बहुत सुंदर वचन देते हैं। जब विश्वास के साक्षी इतनी बड़ी संख्या में हमारे चारों ओर विद्यमान हैं, तो हम हर प्रकार की बाधा दूर कर अपने को उलझाने वाले पाप को छोड़कर और ईसा पर अपनी दृष्टि लगाकर धैर्य के साथ उस दौड़ में आगे बढ़ते जाएं जिसमें हमारा नाम लिखा गया है। मेरे प्रिय मित्रों, इस वचन को सुनने वाले आप सभी के लिए मेरी ओर से संदेश होगा कि हम अपनी दृष्टि ईसा पर लगाकर आगे की ओर बढ़ते जाएं। हम पीछे की ओर ना देखें, आगे की ओर देखें। इस समय मैं आप सबके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। अपनी आंखें बंद कीजिए। हे प्रभु यीशु, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं इस समय के लिए, इन वचनों को सुनने वाले हर एक भाई बहन के लिए धन्यवाद देता हूं। तूने कहा है तुम सत्य को पहचान जाओगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तुम सत्य को पहचान जाओगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। प्रभु, तूने कहा कि मैं ही सत्य हूं और तू हमें स्वतंत्र कर सकता है। यौहन के सुसमाचार के अध्याय 8 में तू कहता है, यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। ये प्रभु यीशु मसीह, हम विश्वास करते हैं, महसूस करते हैं कि हमारे जीवन में हम कई प्रकार के बंधनों में पड़े हुए हैं। हम अपने अतीत के विभिन्न प्रकार की यादों के शिकार हैं प्रभु। विभिन्न प्रकार के नकारात्मक यादें हमें सताती रहती हैं, भूत की तरह हमें परेशान करती रहती हैं। दिन रात ये बातें हमें परेशान करती रहती हैं, हमारे जीवन में अड़चने पैदा करती हैं। तेरे पवित्र नाम पर मैं इस समय अपने भाई बहनों के लिए बंधनों से मुक्ति के लिए प्रार्थना करता हूँ। यीशु के पवित्र और सामर्थ्यवान नाम पर हर प्रकार के अंधकार की शक्ति, विशेष करके हीन भावना की आत्मा, दोष भावना की आत्मा, गुस्से और प्रतिशोध की आत्मा, विभिन्न प्रकार के नकारात्मक भावनाओं की आत्मा, मैं तुझे आदेश देता हूं कि इसी वक्त मेरे भाई बहनों को छोड़ के चले जाओ और हमेशा के लिए यीशु के क्रूस के नीचे दब जाओ। ये प्रभु यीशु, तूने रोगियों को चंगा किया, तूने दुखियों को सांत्वना दिया। तेरे वचन में लिखा है प्रभु दुखियों से दूर नहीं है। इस समय मैं अपने भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूं, उनके मस्तिष्क पर जो पुरानी यादें हैं, जो दुख देने वाली हैं, तेरे पवित्र रक्त को डालकर उसे शुद्ध कीजिए। उनके मस्तिष्क को, उनकी बुद्धि को इस समय स्वतंत्र कीजिए, शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए। हे प्रभु यीशु, हम विश्वास करते हैं कि तू हमारी प्रार्थना को सुन रहा है। तेरा पवित्र हाथ हर एक भाई बहन के सिर पर समय रख, उन्हें स्वतंत्रता प्रदान कर, उन्हें भविष्य की ओर देखने के लिए विश्वास की दृढ़ता प्रदान कर, पुरानी बातों को छोड़ देने के लिए उदारता प्रदान कर, आगे की ओर बढ़ने के लिए कृपा प्रदान कर। ए प्रभु यीशु, तू होने वाले उस महिमा के सामने क्रूस के दुख को नगण्य समझा और इसलिए क्रूस को उठाते हुए कलवारी पहाड़ की ओर चल दिया। ए प्रभु यीशु, बीते दिनों की हर प्रकार के दुख को छोड़कर आगे की ओर बढ़ने के लिए मेरे भाई बहनों को कृपा दीजिए। नई नई उम्मीदों के लिए, नई नई आशाओं के लिए कृपा दीजिए। धन्यवाद यीशु, हम विश्वास करते हैं कि तू हमारी प्रार्थना को सुन रहा है। आत्मा पावना आत्मा
आजा प्रेम के आत्मा शांति के आत्मा आकर तू हम पर छा जा।